नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिमान सिंह राठौर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और साथ ही भाजपा पर सीएम अशोक गहलोत लगातार प्रहार कर रहे हैं। कहा, आम आदमी को लगने लगा है लोकतंत्र में खतरा और साथ ही संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही है। ये भी अशोक गहलोत ने आरोप लगाए और ये भी कहा कि मोदी जी ने सभी संस्थाओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी। देश में जिस तरह के हालात बने उसके खिलाफ मुल्क चिंतित है। और साथ ही आरबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी को लेकर 2 साल लग गए देश को हिसाब देने में और सुप्रीम कोर्ट की परवाह किए बिना नमो टीवी चल रहा है। ये भी अशोक गहलोत ने कहा और कहा कि दूरदर्शन और रेडियो पर भी सरकारी गुणगान होता है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा हथकंडा अपना रही है और ये भी आरोप लगाया कि शासन सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, शासन में मोदी जी और शाह की चलती है। गुजरात के किसानों की हालत खराब हो चुकी है और साथ ही ये भी कहा कि मोदी जी जहां भी जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं। जब मैंने राजस्थान के हितों की रक्षा की तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और साथ ही अलवर कांड पर भी मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। और साथ ही नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ ये भी कहा। सुप्रीम कोर्ट की परवाह किए बगैर नमो टीवी चल रहा है, इसके लिए अशोक गहलोत ने कहा और ये भी कहा कि दूरदर्शन और रेडियो पर भी सरकारी गुणगान करते हैं और चुनाव जीतने के लिए भाजपा हर तरह का हथकंडा अपना रही है और साफ तौर पर पीएम मोदी पर और साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि शासन सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। और गुजरात पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात में किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और अलवर कांड पर भी मोदी जी राजनीति करते हैं। थानागाजी की घटना को जाने बगैर मोदी जी ने प्रदेश के मुखिया यानी कि खुद के लिए कहा कि राजस्थान के मुखिया पर आरोप लगाया और ये भी कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि राजस्थान पुलिस देश में एक रोल मॉडल की तरह काम करे। और मायावती जी के कमेंट के बारे में कहा कि उनका कमेंट करना स्वाभाविक था, उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। राजस्थान में बसपा का समर्थन हमारे साथ है और हमेशा बना रहेगा, ये भी अशोक गहलोत ने इस पीसी के माध्यम से कहा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल करके रखना हमारी पहली प्राथमिकता है और भाजपा पर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से जमकर प्रहार किए। आम आदमी को लोकतंत्र में खतरा लगने लगा है, ये भी अशोक गहलोत ने कहा और साथ ही ये भी कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाएं मोदी के दबाव में काम कर रही है। आरबीआई को नोटबंदी का हिसाब देने में 2 साल लग गए, देश में जिस तरह के हालात बने उससे पूरा मुल्क चिंतित है। नोटबंदी से कोई फायदा नहीं पहुंचा बल्कि नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट की परवाह किए बगैर मोदी जी नमो टीवी चला रहे हैं और यहाँ तक कि दूरदर्शन और रेडियो पर भी सरकार का गुणगान चलता है। और साफ तौर पर अमित शाह और पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में देश भर में शासन सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं। और गुजरात के किसानों की हालत भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अशोक गहलोत ने खराब बताई और मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी जहां कहीं भी जनसभा को संबोधित करते हैं वहां राजस्थान के सीएम को टारगेट करते हैं। और अलवर कांड को लेकर भी अशोक गहलोत ने कहा कि अलवर कांड पर सरकार एक्शन के मूड में है, लेकिन पीएम मोदी ने बिना पूरी वारदात को जाने, बिना पूरे घटनाक्रम को जाने प्रदेश के मुखिया पर आरोप लगाए और साथ ही मायावती के लिए कहा कि मायावती का कमेंट करना स्वाभाविक था और बसपा का समर्थन हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। और अशोक गहलोत ने मीडिया के माध्यम से अलवर कांड के बाद ये भी साफ कर दिया कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश में क्राइम को कंट्रोल करके रखना है। तो जिस तरह से सुबह से ही सबको इंतजार था अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कुछ ही देर में शुरू हुई थी जो कि अभी भी जारी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया ने भाजपा पर निशाना साधा, पीएम मोदी पर निशाना साधा और साथ ही अलवर कांड को लेकर प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया और ये भी कहा कि सरकार एक्शन के मूड में है और सरकार उस पर हर तरह से जांच करेगी। और साथ ही पीएम मोदी पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार में जिस तरह से हर बार
हर जनसभा में हर रैली में पीएम मोदी प्रदेश के मुखिया पर आरोप लगाते हैं, राजस्थान के सीएम पर आरोप लगाते हैं, वो निराधार है। और साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अलवर कांड को लेकर पीएम मोदी राजनीति करते हैं, भाजपा के लोग राजनीति करते हैं, लेकिन मैं उनको साफ कर दूं कि मेरे लिए प्रदेश भर में क्राइम को कंट्रोल करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और मायावती जी के कमेंट करने पर कहा कि मायावती जी का कमेंट करना स्वाभाविक था। और साथ ही ये भी कहा कि राजस्थान में बसपा का समर्थन कांग्रेस के साथ है और हमेशा रहेगा। तो जिस तरह से आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा और साथ ही पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर आरोप लगाया, ये भी कहा कि संवैधानिक संस्थाएं देश में दबाव में काम कर रही है, मोदी जी ने सभी संस्थाओं की धज्जियां उड़ा कर रख दी। और वहीं आरबीआई को नोटबंदी का हिसाब देने में आखिर 2 साल कैसे लगे। और ये भी कहा कि देश में जिस तरह के पिछले 4 सालों में हालात बने हैं उससे देश चिंतित है। और साथ ही नमो टीवी जो कि पीएम मोदी चला रहे हैं उस पर भी निशाना साधा और ये भी कहा कि नमो टीवी बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के चल रहा है, बिना सुप्रीम कोर्ट के डर के चल रहा है। और अमित शाह पे और पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि देश भर में शासन सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, एक अमित शाह और दूसरा पीएम मोदी। और जिस तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसभा को संबोधित करते हुए पहले भी सीएम अशोक गहलोत जनता तक ये बात पहुंचा चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखी, ये भी कहा कि पीएम मोदी जहां कहीं भी जाते हैं, रैली को संबोधित करते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, तो हर बार राजस्थान के सीएम को टारगेट करते हैं। और बसपा के ऊपर ये भी कहा कि बसपा का समर्थन राजस्थान में कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ हमेशा बना रहेगा। अपराध को कंट्रोल करने की बात भी मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कही, क्योंकि अलवर कांड देश भर में एक दिल दहला देने वाली घटना थी। और इसी घटना को लेकर प्रदेश के मुखिया ने भाजपा पर आरोप लगाए, कहा कि भाजपा और पीएम मोदी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करती नजर आई। मोदी जी ने बिना किसी पूरे मामले को जाने राजस्थान की मुखिया को घेरा, ये भी कहा प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने। और ये भी कहा कि देश में जिस तरह के हालात बने, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि अपनी हर जनसभा में लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि देश का लोकतंत्र भाजपा के राज में, भाजपा के कार्यकाल में खतरे में चल रहा है। और साथ ही जिस तरह से भाजपा हर बार विज्ञापन और कैंपेनिंग करती है उन पर भी सीएम अशोक गहलोत ने आरोप लगाया और ये भी कहा कि दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी सरकार गुणगान करवाती है अपना और नमो टीवी पर भी निशाना साधा, टारगेट किया। और ये भी कहा कि नमो टीवी बिना किसी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के चल रहा है। और साथ ही अलवर की थानागाजी की घटना को बिना जाने मोदी ने आरोप लगाए और इस पूरे मामले के बाद अपराध को लेकर अपने मनसूबे यहां साफ किए सीएम अशोक गहलोत ने। और ये भी कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता प्रदेश भर में अपराध को कंट्रोल करना रहेगी और अलवर कांड पे हर तरह की जांच होगी और सभी आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर 12:30 बजे मीडिया से मुखातिब हुए थे और इसी दौरान एक बार फिर से भाजपा को घेरा और घेरते हुए पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किए और ये कहा कि आम आदमी को भाजपा के कार्यकाल में लोकतंत्र में खतरा लगता है और कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाएं, उनका इशारा एक तरफ से मीडिया के ऊपर था कि सभी संवैधानिक संस्थाएं मोदी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में दबाव में चल रही है। और जो कि भाजपा के कार्यकाल में पीएम मोदी के द्वारा नोटबंदी की गई उस पर भी सीएम अशोक गहलोत ने मोदी को घेरा और कहा कि नोटबंदी से देश को कोई फायदा नहीं पहुंचा बल्कि देश को नुकसान पहुंचा है। और साथ ही आरबीआई को घेरते हुए कहा कि आरबीआई को नोटबंदी का पूरा हिसाब देने में
दो साल लग गए, आखिर क्यों? और चूंकि गुजरात पीएम मोदी का गढ़ रहा है, तो गुजरात के किसानों के बारे में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में किसानों की हालत बद से बदतर है, लेकिन पीएम मोदी का इस ओर भी कोई ध्यान नहीं। और प्रदेश में अपराध को लेकर अपने मंसूबों को जनता के सामने साफ करते हुए कहा कि अलवर कांड पर हर एक नजर है और राजस्थान पुलिस प्रशासन एक्शन के मूड में है, और कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता प्रदेश में अपराध पर कंट्रोल करना रहेगी।